हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डीप नेक से बहुत ही आसान तरीके से चोली की कटिंग बताऊंगा, ठीक है? ना ही शोल्डर गिरेंगे और ना ही आर्मोल में किसी भी तरीके का कोई झोल आएगा। मेज़रमेंट हमारा ये क्लाइंट का है, मैं क्लाइंट के नाप से ही आपको कट करके बताऊंगा। चेस्ट हमारी 35 1/2 है, अपर चेस्ट हमारी 33 1/2 है, वेस्ट हमारी 29 है और चोली लेंथ 15 है, ठीक है? बाकी मेज़रमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसे हम साइड में रख देते हैं। और हमारा आगे से नेक 7 इंच है, बैक से नेक 12 इंच है, ठीक है? तो हम वीडियो को शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों, पहला निशान हम यहाँ लेंगे इस तरीके से, और दूसरा निशान लेंगे हम इस तरीके से कंधी के मार्जिन का। कंधी के मार्जिन का निशान लगाना ज़रूरी होता है ताकि उससे पता रहे कि हमें कितना मार्जिन शोल्डर कंधी में लेना है, ठीक है? अब उसके बाद हमें करना क्या है, करना ये है, ब्लाउज़ लेंथ हमारी जो थी वो थी 15, ये पूरी आ रही है। आर्मोल लेंथ हम रखेंगे फ़िलहाल 7 7 1/2 पे, डार्ट पॉइंट 10 पे लेंगे और इन्हीं निशानों को हम यहाँ पे सीधा करने के लिए यूज़ करेंगे। और ये देखिए, निशानों को हम इस प्रकार सीधा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों? अब हमारी चेस्ट थी 35 1/2, तो 35 1/2 का हम यहाँ निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी 35 1/2 है, तो 35 1/2 हम जो डार्ट पॉइंट लिया है उस पे लगाएंगे यहाँ से इस निशान को, और वही यहाँ लगा देंगे हम, और वही निशान हम यहाँ लगा देंगे जो हमारी चेस्ट है। तो इस निशान को हम कंटिन्यू सीधा कर देंगे और ये मार्जिन के लिए लाइन ले लेंगे, ठीक है? और हम डार्ट पॉइंट जो होता है वो ले लिया है यहाँ से यहाँ तक। अब हम डार्ट की जो गैपिंग है वो रखेंगे 1/4 इंच, और 1/4 इंच को यहाँ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में इस निशान को हम यहाँ से जो है वही लाइन को पूरा सीधा करेंगे, ठीक है? पूरा सीधा करने के बाद में हमारा जो शोल्डर है वो है 14 इंच, तो 14 का हम रखेंगे यहाँ पे 15 इंच, हाफ इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, और आधा इंच कम करके यहाँ से हम यहाँ निशान लगा के और इस निशान को कंटिन्यू सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में फ्रेंच कप्स की मदद से हम यहाँ पे आर्मोल की शेप बना देंगे, एक अच्छी सी शेप, ठीक है? शेप बनाने के बाद में अब हमें करना क्या है, डीप नेक हमारा है फ्रंट से 7 इंच और बैक से 12 इंच। तो हमें करना ये है, हमें इसे शोल्डर थोड़ा डाउन करना है। ये वीडियो में, दूसरी वीडियो में कभी बताऊंगा आपको शोल्डर कितना डाउन होता है। और हमें अब इसको कटिंग कर लेनी है, तो इसे मैंने दोस्तों कटिंग कर ली है और ये हमारा डार्ट पॉइंट है। अब हमें करना क्या है, हमें इस डार्ट पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक रोक देना है, और इसी लाइन को ऊपर से यहाँ से कंटिन्यू लाते हुए डार्ट पॉइंट तक ला के यहाँ से हल्का सा रोक देना है, पैटर्न हमारा जुड़ा रहे, ठीक है? अब इसे हम इस तरीके से रखकर जितना भी हमें शोल्डर चाहिए उतना हम शोल्डर रख लेंगे। चाहे तो आप ऊपर इधर से रख लें और चाहे तो आप इसे इधर से रख लें, जहाँ जैसे आपको इजी लगे आप रख लें, ठीक है? तो हमें शोल्डर इसका रखना है लगभग 6 इंच का। तो ये हमारा देखिए 6 इंच का शोल्डर तैयार आ गया है, ठीक है? 6 इंच का तैयार आ गया है। अब हमें करना ये है कि इस पे हम टेप लगा के इसे रोक लेंगे, ठीक है? रोकने के बाद में जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक आ गया हमारा, इसे हम कट कर लेंगे, ठीक है? कट करने के बाद में अब हम 7 इंच ब्रॉडनेस का यहाँ निशान लगाएंगे, और 7 इंच हमारा जो गला है तो हम 7 इंच पे यहाँ लगाएंगे, और 3 इंच यहाँ निशान लगा के अब इस निशान को इस निशान से मिलाकर और इस निशान को इस निशान से मिलाकर फ्रेंच कप्स की मदद से हम एक अच्छी सी राउंड शेप ले लेंगे, ठीक है दोस्तों? अब एक चीज़ ये देखिए दोस्तों,
ये हमारी जो चेस्ट की लाइन थी 35.5 एंड हाफ, वो हमारा पूरा है। अपर चेस्ट जो हमारी कम आ रही 33 एंड हाफ, तो ये देखिए अपर चेस्ट हमारी खुद ब खुद यहाँ निकल आई है। तो हमें अब डार्ट डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी ये आर्म होल की डार्ट यहाँ कवर हो गई है। ठीक है, अब हम आपको इसे फैब्रिक पर रख के कट करके दिखाकर और डमी पे दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फैब्रिक है, अब इस फैब्रिक के ऊपर हम इस पैटर्न को रख कर आपको निशान लगाकर काट कर और डमी पे डालकर दिखाएंगे ताकि कोई डाउट आपके मन में ना रहे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए निशान लगा लिए हमने पूरे निशान, ये डॉट्स का निशान, ये गले का निशान, और इस पैटर्न को हटाकर अब हम ये देखिए दोस्तों इसे कट कर लेंगे। और कट करने के बाद में ये हमारा फैब्रिक कट हो गया है, अब हम इसे डमी पे डाल के दिखाएंगे आपको। ये देखिए दोस्तों हमने इसे डमी पे डाल दिया है, बिल्कुल ये परफेक्ट फिटिंग आई है, कहीं से ना कोई झोल है, ना ही आर्म होल में कोई रिंकल है, और ना ही इसका शोल्डर गिरेगा। 100% ये पीस आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो आपको वीडियो सही लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।